अभी तुम्हारी पर्ची रेडी नहीं है। हमारे को 7 डब्बे लेने के लिए हम 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा 6 डब्बा ये लिस्ट बनाए हैं। हम डब्बा कौन सा लेना, मिठाई वाला डब्बा लेना, प्लास्टिक के बॉक्स जैसे हर साल हम लेते, तुम्हें पता है तो साइज तो होगी छोटे। अरे जो मिलेगा भैया हम लेके चले आएंगे तुम्हें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और आज के व्लॉग में। तो आज जैसे मैंने बताया था कि आज सैटरडे है और सबसे पहला काम तो मेरा यही होना है, जो कल भसड़ हुई थी और मेरी लापरवाही की वजह से जो भी दिक्कतें हुई थी, मेरी लापरवाही क्या मीन्स वही है, जब एक चीज़ जल चुकी थी तो मुझे दूसरी चीज़ें नहीं ऑन करनी चाहिए थी, बस इतना ही था। तो बट मेरी जगह कोई और भी होता तो उसे भी शायद नहीं इतना ज्ञान होता कि आप अभी, और मुझे ये नहीं पता था कि वोल्टेज की वजह से वॉशिंग मशीन गई है तो मुझे ये नहीं खोलना था माइक्रोवेव, लेकिन खैर जो भी था होना था, दो चीज़ें जानी थी चली गई। खैर अभी कोशिश लगी, अभी उनका फ़ोन नहीं, बेल बज गई तो देख लेती हूँ पर कौन है। तो उन लोगों से बात हुई है जो यूसी वाले हैं अर्बन कंपनी वाले, तो ले तो गए थे हमारा, और वो देखो पीछे दिख रही होगी वॉशिंग मशीन आपके पीछे पड़ी हुई है। मैंने कल दिखाई नहीं, मैंने कहा क्या ही दिखाऊं, उसमें पानी भरा हुआ है और क्या ही दिखाऊं। अब आज अभी आते हैं भैया लोग तो बनाते हैं, तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे क्या काम चला। खैर अभी उनका टाइम नहीं, उनको फ़ोन किया था, खैर इन्होंने एक बार सुबह तो बोले कि एक जगह और भी कहीं काम है, उनको वो करके तब हमारे आएंगे, करीबन 11 बजे आएंगे। तब देखिए 11 का 12 भी समझ सकते हैं क्योंकि ठंड का दिन है, कोई भी एकदम एग्जैक्ट टाइम पे तो नहीं देखो चल पाता है, 12 भी बज सकता है, 2 भी बज सकता है, क्योंकि उनको एक भी जगह और भी, उनका 9 बजे कहीं जाना है उनको, तो वो 9 बजे वाला वो 9-2 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे का लगते हैं, जब तक कि उनका कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना वो दूसरे उसमें नहीं आएंगे। तो बस आ जाएँ, चाहे जैसे भी आएँ, चाहे 1 बजे आएँ 2 बजे आएँ, जो भी है काम तो हो जाए, दोनों चीज़ें ठीक हो जाएँ, बस इतना ही है। तो खैर अभी आज का क्या है, खाना वाना बना रही हूँ, आज सोची कि मैं अच्छा से कुछ खाना बना दूँ ताकि आज छुट्टी भी है, ये गई भी नहीं है, मैं अभी मिलवाती हूँ आपसे, ये सैटरडे है ये भी घर पे हैं, मिलवाती हूँ भी आपसे, और क्योंकि इनको ही भाई वो सब झेलना पड़ेगा क्योंकि वो आएंगे अर्बन क्लब वाले, तो मैं तो नहीं उतना ज़्यादा, मैं किचन में लगूँ, मैं इधर लगूँ, मैं उधर लगूँ, मैं क्या क्या करूँ, तो इसलिए तो, और उसका वो फ्रेंड भी आएगा पढ़ने के लिए, तो आज हो सकता है उसकी मम्मी भी आएँ, तो अगर आएंगी तो मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे, मैं भी उनसे पहली बार ही मिलूंगी, बट उनको मिलने का मन था तो आज वो आएंगी। आप कहाँ चले? हेलो, पढ़ने? आधे घंटे में क्या पढ़ लेंगे? आज क्या 1 घंटे की क्लास है? यशिका जी कॉफी बना रही है। हाँ तो? और ये ब्लॉग हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि मतलब पता चले कि ये भी काम करती है, कह रहे पान बनाने लायक शायद लो ऑन द प्लेट नहीं है। है मेरे पास प्लेट, मेरा माइक्रोवेव बिल्कुल चकाचक हो गया, हड़प्पा के जमाने का नहीं है, उससे भी ज्यादा पुराना है, हो जाए तो दे देना ना ग्लास वगैरह, बस करो आजकल बहुत। आएंगे आएंगे अभी, बस इन लोगों का पहले भी इन लोगों की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, वाट लगाएंगे अच्छे से खिचड़ी के लिए। हाँ अभी इनसे बात करनी है, मुझे बॉक्स वगैरह लेने हैं क्योंकि एक बॉक्स में ही मैं दाल और चावल रख के देती हूँ, तो वो देखती हूँ मैं इनसे बात करती हूँ कि कैसे हैं डब्बे, कहाँ से लाने हैं, क्या करने, क्योंकि बहुत दिनों से बोल रहे, और अभी मैं बीच में गई भी थी, मेले में भी मिलते हैं ऐसे डब्बे, या एक मॉल में भी गई थी मैं, मुझे याद वी मार्ट भी अभी गई थी थोड़े दिन पहले, शायद वीडियो नहीं बना पाई थी, हाँ कुछ लेने गई थी और वहाँ पे भी मैं भूल गई। अब देखना चिल्लाएंगे ज़रूर कि जब उस दिन गई तो क्यों नहीं लिया,
लेकिन मैं भूल गई, अब संक्रांति का याद आया है तो दाल चावल तो मैंने मंगा लिया फोन करके, बट डिब्बे नहीं है मेरे पास। तब देखो माँ भूलती हूँ, बवाल ज़रूर होगा क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मैं खुद जानती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं चार, मैं अगर घर से सोच के जाती हूँ कि दो सामान ये मुझे लेना, मैं वही दो सामान वहाँ से लेके चले आती हूँ, लेकिन अगर मुझे तीसरा वहाँ दिख रहा है और मुझे चाहिए तो भी मुझे ख्याल नहीं आता कि यार अभी थोड़े दिनों बाद ये है ये है, जबकि मैं कितना प्लान वे में चलती हूँ, ये होता कभी हो जाता है यार, कभी कभी हो जाता है। कितने लोग हैं जो मैं लिस्ट ही बना के लिस्ट छोड़ के चले जाते हैं और फिर सामान अरे क्या करें क्या करें। तो अब तो मैं सेफ साइड करने लगी हूँ, लिस्ट बनाती हूँ, लेकिन उस लिस्ट को ना मैं इसकी पिक ले लेती हूँ, स्नैपशॉट ले लेती हूँ और अपनी गैलरी में सेव कर लेती हूँ। फ़ोन तो रहेगा हर हाल में मेरे हाथ में ना, तो वो कर लेती हूँ, ये ठीक कर रहता है। आप लोग भी ऐसे ही क्या करिए, अगर आप लोगों को भी अगर यही भूलने का वो है ना तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ़ोन पे, गैलरी पे रहेगी लिस्ट, खरीदो सामान, कोई दिक्कत नहीं। खैर अभी मेरे को बॉक्स के लिए कहना है, आज शाम को लेने जाते हैं या कल जब भी जाते हैं देखते हैं, बताती हूँ आपको। तो गाइस माइक्रोवेव तो बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरा चलने लगा है और यहाँ पे ये देखो जो खाली हो गया था, मैंने कल दिखाया नहीं था, बहुत गंदा लग रहा था, लेकिन अब वो चल रहा है, पानी खूब गर्म हो रहा है। अब मैं ग्रीन टी हो, ब्लैक कॉफ़ी हो, कुछ भी हो सब पी सकती हूँ। और वॉशिंग मशीन का क्या हुआ होगी? तो गाइस वॉशिंग मशीन भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और कह रहे चल रही है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। यस माय मशीन इज बैक, मशीन चलने लगी है और दोनों चीज़ें आज कल ख़राब हुई थी आज ठीक हो गई हैं। अब बड़ा फटका लगने से मैं बच गई हूँ, थैंक गॉड, आप लोगों की ही आशीर्वाद से, शायद दुआओं से मेरा दो बड़ा बड़ा खर्चा मैं बच गई हूँ आज के, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। ताकि अगर मुझे जाके लेना पड़ता ना तुरंत की तुरंत तो हो गया होता, अब क्या ही कर सकती हूँ, लेना तो पड़ता ही, बच नहीं सकती थी, लेकिन आप लोगों की दुआओं से बच गई। और पता नहीं किसका ही दुआ लग गई मुझे और बच गई, और पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो ठीक हो गया। सुबह जब फ़ोन किया था तो भैया से पूछा था कि पैनल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि कल वो बोल के गए थे कि रिपेयर होगा या नहीं होगा 50-50 है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो फिर पूरी चीज़ गई, लेकिन वो बोले कि ज़्यादा डैमेज नहीं है पैनल को, रिपेयर हो सकता है। तब हम लोग की जान में जाना ही, सवेरे जब 8:30 के करीबन इनको फ़ोन किया था यूसी वालों से, तो उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर पैनल अभी थोड़ा ठीक है और रिपेयर हो सकता है, गुंजाइश है, तो जान में जान आई थी। और फिर ये लग रहा था कि बस अब लग जाए मशीन चल जाए कल से, क्योंकि नहीं चली है, अब जा रही हूँ मशीन में लगाऊंगी कपड़े, धनाधन 2-3 राउंड तो हो ही जाएंगे, देखो और ना नहीं इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और फिर वो शाम को आएगी, दोपहर में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी खुद ही बज गए हैं दो धोते हाँ 5 तो बज ही जाएंगे, तो जब वो आएगी तब उससे फैलवा देंगे, अब सूखेंगे, पंखा चला देंगे ऊपर के फ्लोर का, फिर सूखेंगे आराम से। तो ये तो खैर काम हो गया आज, बहुत बड़ा भगवान का शुक्र है। और सुनो मेरे को वो खिचड़ी का सामान नहीं लाए हैं। खिचड़ी का सामान? कौन सा सामान? एक बॉक्स चाहिए होंगे दाल चावल रखने के लिए, दान पुण्य वाले। हाँ कितने चाहिए? 50-100 तो देखो नहीं कर पाते तभी, बस हम 7 करते हैं। 7 डब्बे चाहिए, खाली चाहिए भारी चाहिए? भाई दाल चावल मंगा लिए हैं, हमको डब्बा प्रभु ला दे। डब्बा ले आएंगे तो एक बार बताओ। अभी चलो। नहीं 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 अभी चलो, नहीं आएंगे फिर हमको भी तो करना नहीं है, इस समय जाना एकदम संभव नहीं। देखो सर्दियों में अगर मकर संक्रांति सर्दियों में पड़ती है ये मेरा दोष है, सुबह से निकले हुए हैं, महीने काम कर चुके हैं, जब बाहर गए थे तब तो नहीं, तुमने कहा कि ये करना होगा। उधर से नहीं गए थे? अरे उधर से नहीं, उधर से इधर, इधर उधर क्या है ये? हाँ तो वो जगह नहीं पड़ी थी जहाँ से हमें डब्बे लेने थे, सच्ची में नहीं पड़े थे तो हम ले जाते वहाँ पे, हम जिम्मेदारी जब हमारी है तो हम ऐसा नहीं होता, तुमसे कुछ भी कहो बस हम ऐसे जाएंगे, हम ऐसे चले आएंगे, दो दो एक दो दिन बाद चलेंगे लेके आएंगे।
तो ठीक है ना, मई जून जुलाई में कर ले संक्रांति, वो ज्यादा बेटर रहेगा। संक्रांति संक्रांति के दिन करेंगे, बांटेंगे भी उस दिन भाई। कल ही पर, कल तो है या बनाइए लिस्ट बनाइए, हमें बस बॉक्स दिला दो जिसमें बॉक्स नहीं वो बाकी लिस्ट बनाइए। बाकी क्या करना है, दाल चावल में लिस्ट क्या करना है, देनी है जो वो सब्जी वाले से सब्जी, चार सब्जियों ये हवा में होती है बस, ये वो ऐसे नहीं होता है ना। पहले डब्बे तो दिलाओ, डब्बे में हम लोग बैठ के चले जाएंगे, दाल चावल आ गया डब्बे ला दो, हम उसमें दाल चावल भर देंगे और दे देंगे। और फिर हमको एक घंटे बाद बोला जाएगा फिर ठंडी में जाओ गोभी ले आओ आलू ले आओ। अगर आप दोबारा बार बोले तो फिर तुम मत जाना। नहीं नहीं बोलोगे, अरे अभी जैसे बोल रही हो ठंडी में, नहीं नहीं परसों करेंगे खिचड़ी तैयारी में करेंगे। हाँ, परसों करेंगे परसों परसों और संभव नहीं है ना, अभी तुम्हारी पर्ची रेडी नहीं है। हमारे को सात डब्बे लेने के लिए हम एक डब्बा दो डब्बा तीन डब्बा चार डब्बा छह डब्बा ये लिस्ट बनाए हैं। डब्बा कौन सा लेना, मिठाई वाला डब्बा लेना, प्लास्टिक के बॉक्स जैसे हर साल हम लेते, तुम्हें पता है तो साइज तो होगी छोटे। अरे जो मिलेगा भैया हम लेके चले आएंगे, तुम्हें बहुत ठंडी लग रही है ना। बस जैसे ही कहीं ले जाओगे, थोड़ी देर पहले गमले वाला निकला था वो ले लेती, गमले में दान पुण्य कर देती। कितने सालों से संक्रांति मना रहे, अरे हमेशा मनाते हैं। तुम उठो मिल जाएगा, तुम चलो बाहर यहीं पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, बहुत सी मॉल भी है, वी मार्ट है तो पास नहीं है हमारे घर से, एड्रेस पता चल जाएगा लोगों को। ठंडी में बंद हो जाता है जल्दी, बंद भाई ठंडी तुमको लगती है, पूरी दुनिया बंद हो जाती। देखो कितनी ठंडी है, 6 डिग्री हो गए तो हाँ, अच्छा 6 डिग्री कैसे पता चल रहा भैया, हम लोग को ठंडा नहीं लगता, हम लोग किचन में काम करते हैं हम लोग को ठंडा नहीं लगता। तुमको सेकती भी हो ना, हाँ तो सेक मुंह मत खुलवाओ, सेकती हो आहा बोलते रोट सेकने के बाद बोलती हो रोटी आज तो नहीं खाओगे, अच्छा ताकि चावल खा लो बस उसी में निपटा दिए जाता है। अच्छा चावल चढ़ा है हम उसमें, अगर हाथ ऐसे रखे तो मेरे लिए एक्स्ट्रा गैस तो नहीं लग रही, वेस्ट हो रही हम उसमें हाथ से, वो चढ़ा है हमसे यही तो करते हैं चावल के पानी से हाथ। अरे गैस जल रही है हम ऐसे ऐसे बस से चावल ही गैस पे दो रोटी और जब पानी में तो अच्छा होता। रोज मक्का का आटा ले और बाजरे का ले, पूरा सीजन निकल गया। अबे सरसों का साग कब बनाओगी, गड्डी खत्म होने के बाद नहीं बनाना। अच्छा सरसों साग को कितना धोना पड़ता है, ठंड पानी बर्फ जैसा पानी आ रहा है, गर्म पानी से धो। अच्छा बर्फ आ रहा है, अब जब मैं बोला बाहर चलो ठंडी है बोल रही है, मैं बोला ठंडी है ठंडी नहीं लगती, गाड़ी में हीटर चलवा देंगे अभी चलो तुम गाड़ी में। तो दोस्तों फाइनली लड़ झगड़ के हम लोग ने बॉक्स ले लिए हैं और यहीं पास में ही मिल गए, जबरदस्ती इतनी झामझाम हुई। अब घर जाके मैं दिखाऊंगी आपको आराम से, और दाल चावल ऑलरेडी पहले से मंगा चुकी हूँ मैं, मैंने बताया था आपको सॉरी बस उसको उसके पैकेट सब उसी में भर देने हैं और बस दे देने, इतना काम है और कुछ भी नहीं, कितना छोटा सा काम था लेकिन नहीं। तो खैर काम तो मेरा हो गया, अब मैं निकल रही हूँ घर, और चाय पी पानी भी हो गया है, नाश्ता पानी भी हो गया साथ में, और ओहो इतना धुआं हो जाता है गाड़ी के अंदर कि एसी चल रहा है भाई साहब, इतनी ठंड में एसी चल रहा है। तो चले गाइस आप सीधे मिलेंगे आपसे घर पे, ठीक है आप अपना ये फॉग काट ले और मिलती हूँ घर पे आपसे अब। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं, बाहर बहुत ठंडा है भाई, सड़क के बिना बिल्कुल मत जाना। बॉक्सेस हम लोग ले आए हैं बट अभी गाड़ी से निकले नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब कल आराम से डब्बे बॉक्स आपको सब पूरा भर भरा के दाल चावल डाल के सब कुछ आपको संक्रांति की तैयारी करते हुए दिखाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी ठंड पड़ रही है सब्सक्राइब बनता है, और वीडियो को पूरा देखो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो अच्छे अच्छे, ठीक है क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट आई नहीं रहे इसलिए मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ। आएंगे बाय, आएंगे तो ही तो मैं पढ़ूंगी ना, अदरवाइज मैं क्या ही पढ़ूं, तो मुझे कुछ पढ़ने के लिए दो तो मैं पढ़ूं और सबके नाम के साथ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, लड़ाई भी हो गई झगड़ा भी हो गया, और मेरे शॉर्ट्स नए नए आ रहे हैं, पूरी सीरीज आ रही है, ध्यान से देखना कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताना। बाय बाय, गुड नाइट।